નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9, હું છું જગદીશ. સમાચારની શરૂઆત કરી સૌથી પહેલા વાત દિલ્હીના દંગલની. દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તમામ 70 બેઠકો પર મતદાન. સત્તાધારી આમ આદમી પાર્ટી તમામ 70 બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડી રહી છે. આ તરફ કોંગ્રેસ 66 અને બીજેપી 67 બેઠક પર ચૂંટણી મેદાનમાં છે. ભાજપે સહયોગી JDU માટે 2 અને LJP માટે 1 બેઠક છોડી છે, તો કોંગ્રેસની સહયોગી RJD માટે 4 બેઠકો પર લડી રહી છે. મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ નવી દિલ્હી બેઠકથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તો ડેપ્યુટી CM મનીષ સિસોદિયા પટપડગંજ બેઠકથી ચૂંટણી જંગમાં ઉતર્યા છે. દિલ્હીના મતદાન કેન્દ્ર સુરક્ષાનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. મતદાન કેન્દ્રો પર પોલીસની સાથે અર્ધલશ્કરી દળની 190 કંપની તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી 2020 માટે આજે મતદાન શરૂ થવાનું છે. બસ સમય આવી ચૂક્યો છે, બરાબર 8ના ટકોરે, એટલે કે હવે ક્યાંક મતદાનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે. 70 બેઠકો માટે કુલ 672 ઉમેદવારો છે જે મેદાને છે. 2015ની એ ચૂંટણી યાદ કરીએ જેમાં આમ આદમી પાર્ટીને 70માંથી 67 બેઠકો મળી હતી. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા રજનીશ રંજન. રજનીશ, આજ દિલ્હી કા દંગલ ઓર દિલ્હી કે દંગલ મેં તીનો જો પાર્ટીયા હૈ ઉનકી અપની અપની વિચારધારા, અપને અપને મુદ્દે હૈ, ઓર ઇન બીચ મેં આજ વોટિંગ કી પ્રક્રિયા શરૂ હોને વાલી હૈ. બિલકુલ, દેખીએ 8 બજ ગયે હૈ ઓર ઇસ વક્ત નઈ દિલ્હી વિધાનસભા ક્ષેત્ર કા યે ગોલ માર્કેટ બૂથ હૈ ઓર યહાં પર મેં હું ઓર सुबह सुबह लगभग 7-8 लोग हैं जो पहले खेप में अंदर गए हैं. अभी वोट देकर लोग बाहर नहीं आए हैं, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और अगले 4-5 मिनट के भीतर वो लोग बाहर आएंगे. उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है. ये नई दिल्ली असेंबली है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उन्होंने इसी सीट से हराया था. 2015 में जब मध्यावधि चुनाव हुए थे तब अरविंद केजरीवाल यहां से बड़ी लीड से चुनाव जीते थे और 5 साल के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल इसी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं. उनके मुकाबले BJP ने सुनील यादव को कैंडिडेट बनाया है जो युवा नेता हैं और युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे हैं. और कांग्रेस पार्टी ने रोमेश सुबरवाल जो यहाँ के स्थानीय एक व्यापारी हैं उनको कैंडिडेट बनाया है. तो त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर कहा जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत लोकप्रिय हैं और चूंकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये चुनाव एक तरफा है. लेकिन BJP या कांग्रेस पार्टी सब यहाँ पर अपनी दावेदारी बता रहे हैं. निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है और यहाँ पिछली बार लगभग 30-32 हज़ार की लीड से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे, तो इस बार उनके चुनौती होगी कि उस लीड को वो बढ़ाते हैं या वो लीड उनकी कम होती है. लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं सुबह सुबह वोट देने. चूँकि बहुत पॉश ये कॉलोनी है और ज़्यादातर केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, तो सुबह बहुत बड़ी तादाद उनकी नहीं दिख रही है. और ये भी है कि आज दिल्ली में छुट्टी का दिन है तो लोग अपने समय से ही यहाँ पर आएंगे, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो ज़रूर यहाँ पर शुरू हुआ है. जो लोग अंदर गए हैं वो जब बाहर आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे. अभी भी आप देखिए कि कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं वोट देने और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें लोगों की जो सक्रियता है, लोगों की जो भागीदारी है वो दिख रही है. बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और वो इस डेमोक्रेटिक जो फेस्टिवल है उसको किस तरीके से वो जीते हैं, किस तरीके से इंजॉय करते हैं, उसकी तस्वीर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन सुबह बहुत जल्द है और ठंड भी है, तो इस लिहाज से लोगों के आने का जो एक जो जो सिलसिला है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे. 2015 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर इस बूथ पर अच्छी वोटिंग होती है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हैं.